देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की और गीता जयंती की। मोक्षदा एकादशी की महिमा क्या है और गीता के साथ, भगवत गीता के साथ इसका क्या संबंध है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का महत्व आखिर क्या है। देखिए, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसको मोक्षदा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दिन मोक्ष देने वाला है, मोक्षदा है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस तिथि को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पूजा उपासना करने से, सन्मार्ग पर चलने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर दान जरूर करना चाहिए। इस बार मोक्षदा एकादशी 8 दिसंबर को मनाई जा रही है। अब ये जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर उपासना आखिर कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, उसका भी जप कर सकते हैं, या भगवत गीता का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करें। वैसे तो एकादशी पर निर्जल उपवास रखना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर जलीय आहार और फलाहार लिया जा सकता है। अब ये जानते हैं कि गीता जयंती का क्या महत्व है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 साल बाद भी इसके उपदेश आज भी कारगर हैं, आज भी प्रभावशाली हैं, अतः इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हर समय में प्रासंगिक रहेंगे। इस दिन यानी मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन, गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए और समय आप करें या ना करें, कम से कम गीता जयंती के दिन गीता का पाठ जरूर करें। अब ये जानते हैं कि गीता जयंती के दिन गीता का पूजन कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति या उनका एक चित्र रखें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई पुस्तक भी वहां पर रखें। फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। इसके बाद या तो पूरी गीता का पाठ करें, संपूर्ण गीता का पाठ करें, या अध्याय 11 का पाठ करें। इसके बाद गीता जी की आरती कहें। भगवत गीता की पुस्तक के अंत में गीता जी की आरती रहती है, वो कहें और इसके बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।